दोस्तों, इस कथा को कालिदास जी ने बहुत अच्छा मनोरम दृश्य दिया है। जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, कालिदास जी ने जिस सुंदरता और विशदता से काव्य के पूर्व भाग में रघुकुल के अद्भुत यानी अद्भुत का वर्णन किया है, उत्तर भाग में भी उसी सुंदरता और विशदता से क्षय की ओर प्रवृत्ति का वर्णन किया है। राम के पश्चात राघवों के राज्यों में जो पहला परिवर्तन हुआ वह यह था कि उसके एक स्थान पर अनेक केंद्र बन गए। कुश को कुशावती में प्रतिष्ठित कर दिया गया, लव का शासन श्रावस्ती में बना दिया गया, जो श्रावस्ती राज्य पहले लव का राजधानी हुआ करता था। राम ने सिंधु देश का राज्य अपने भाई भरत को दे दिया। भरत ने गंधर्वों को परास्त करके राज्य को निष्कंटक कर दिया और अपने पुत्र पुष्कल को पुष्कलावती में और तक्ष को तक्षशिला में अभिभक्त कर दिया। लक्ष्मण ने अपने पुत्र अंगद और चंद्रकेतु नाम के दो पुत्रों को करापथ नामक एक प्रदेश शासक बना दिया। इसी प्रकार महाराज राम ने उनके देह त्याग के साथ ही रघु द्वारा प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य अनेकों टुकड़े होकर बिखर गया। परिणाम यह हुआ कि वह राघवों की पूरी अयोध्या, जिस पर संपूर्ण राष्ट्र को अभिमान था, थोड़े ही समय में उजड़ कर खंडहर में ढेर बन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि कालिदास ने इस चीज का बहुत अच्छा मनोरम दृश्य दिया है। श्री राम लक्ष्मण आदि के 8 पुत्रों ने कुश को अपना ज्येष्ठ भाई मानकर उन्हें अपना प्रमुख मान लिया और कुशावती को राजधानी बनाकर कुश वहीं रहते थे। एक रात अयोध्या की राजलक्ष्मी ने उन्हें भेंट कर अयोध्या के दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा कि स्वामी के न रहने से वहां के भव्य प्रसाद खंडित, सरयू तट सूने, वन उपवन उजाड़, राजमार्ग टूटे फूटे और वाणिज्य व्यापार चौपट हो चुका है। अलकापुरी से भी अधिक रमणीय अयोध्या नितांत शोभाहीन हो चुकी है। उसकी शोभा को लौटाने के लिए आप वंश परंपरागत अयोध्या को ही अपनी राजधानी बनाएं, वहां अस्थाई रूप से निवास करें। अगले दिन सभा में उपस्थित ऋतजों और सचिवों से रात बीती घटना का वर्णन करके कुश ने उनकी राय मांगी तो सभी ने एक मत से अयोध्या को नवजीवन देने का समर्थन किया। फलतः महाराज कुश राज परिवार, मंत्रिमंडल और सेना आदि के साथ अयोध्या में रहने चल दिए। अयोध्या की प्रजा ने महाराज कुश का हार्दिक अभिनंदन किया। महाराज कुश ने थोड़े ही दिनों में टूटी फूटी हुई अयोध्या की मरम्मत, नवनिर्माण तथा सज्जीकरण से अयोध्या को नव योना बना दिया। अयोध्या की प्रजा ने भी कुश को इतना अधिक स्नेह और प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि इन्हें इंद्र को प्राप्त वर जो स्वर्ग है और वहां का भी स्वर्ग फीका पड़ने लगा। एक दिन महाराज कुश अपनी प्रिय कामिनियों के संग सरयू के जल में विहार करने गए। वह बहुत समय तक सुंदरियों के साथ क्रीड़ा का आनंद लेते रहे। इस बीच महर्षि अगस्त द्वारा श्री राम को और श्री राम द्वारा कुश को दिया गया उनकी भुजा में पड़ा कंगन किसी प्रकार जल में गिर गया। गोताखोरों ने बहुत प्रयत्न किया किंतु उन्हें कंगन को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। उन्हें लगा कि सरयू के जल में रहने वाले नागराज कुमुद ने उस कंगन को छुपा लिया है। कुश ने कुमुद के वध के लिए अपने धनुष बाण चढ़ा दिए कि नागराज महाराज कंगन के साथ अपनी छोटी बहन कुमुदती को लेकर उपस्थित हुए और अपने कंगन की वापसी से प्रसन्न हुए महाराज कुश ने नागराज की प्रार्थना पर उनकी बहन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुमुदती से विवाह करके महाराज कुश सुखपूर्वक अयोध्या में राज करने लगे। यथासमय महाराज कुश को कुमुदती के गर्भ से 2 पितृकुल और मातृकुल वंशों को गौरवान्वित करने वाला अतिथि नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
वह अपने पिता के समान विद्वान, धर्मात्मा, सदाचारी, जितेंद्रिय और कुल मर्यादा की रक्षा करने वाले थे। अपने पूर्वजों के समान महाराज कुश को एक बार देवराज इंद्र ने सहायता के लिए बुलाया, क्योंकि देवराज इंद्र इनके दादा पर दादा लगते थे। देवराज इंद्र ही भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि मनु और वैवस्वत मनु ये सब इनके ही भाई चाचा दादा लगते थे रिश्ते में। इसलिए कुश को इंद्र ने अपनी सहायता के लिए बुलाया, जहां एक दुर्जय नाम का असुर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। देवताओं को उसने बंदी बना लिया था और उस समय इंद्र जो थे अकेले पड़ गए थे, तो कुश को उन्होंने अपने साथ बुलाया सहायता के लिए और देवासुर संग्राम होने लगा। दुर्जय असुर का वध करते हुए स्वयं कुश भगवान, जो महाराज कुश के नाम से जाने जाते हैं, जो स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र थे, महाराज कुश ने उस दुर्जय दैत्य का हत्या कर दी। और चूक यहाँ पर हो गई कि जिस बाण को उन्होंने दुर्जय दैत्य को मारा था, उसने भी वही निशाना लगाकर इधर कुश को भी मार दिया, तो दोनों लोग एक साथ में ही अलग अलग बाणों से मृत्यु को प्राप्त हो गए। और कुमुदती अपने पति के साथ सती हो गई और अतिथि को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। महाराज अतिथि उदार हृदय वाले थे और गुणग्राही थे। वह मुक्त हस्त से ब्राह्मणों, विद्वानों, कलाकारों, शिल्पियों और राज्य के अधिकारियों को अनुग्रहित किया करते थे। महाराज अतिथि कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने गुप्तचरों पर भी गुप्तचर लगा रखा था, जिसके कारण उन्हें प्रजा की सभी गतिविधियों का पता चलता रहता था। वह प्रजा से कर के रूप में प्राप्त धन को उसकी उन्नति में व्यय कर देते थे। वह सेना को अपने प्राणों के समान स्नेह और सम्मान देते थे। महाराज अतिथि ने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए और उनके संपन्न होने पर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को इतना धन दक्षिणा दिया कि वे ब्राह्मण भी स्वयं यज्ञ करने के समर्थ हो गए। महाराज अतिथि के राज्य में चोरी, डाका, उत्पात तथा अन्याय एवं अत्याचार का कोई चिन्ह तक नहीं था। राज्य की समृद्धि लोकपालों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गई थी। महाराज अतिथि ने निषद राज की पुत्री से विवाह किया और उसके उदर से निषद पर्वत के समान बलवान निषद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और वृद्ध होने पर महाराज अतिथि ने निषद को अपना राज सौंपा और अपना परलोक सुधारने के लिए वन मार्ग ग्रहण किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रघुकुल के जो भी राजा हुए हैं वो 60 वर्ष पूरा होने के बाद वन में चले जाते थे तपस्या करने के लिए, और वहीं पर अपने जीवन का अंत कर देते थे। वहीं पर वो भगवान को प्राप्त हो जाया करते थे। बाहुबली एवं युद्ध कुशल निषद ने समुद्र प्रयत्न पृथ्वी को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया और महाराज निषद को नल नामक एक यशस्वी पुत्र, तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पुत्र का नाम नभ था और महाराज नल यथासमय अपने पुत्र नभ को अपना राज्य सौंप कर तपोवृत हुए। दोस्तों, महाराज नल की कथा मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा जो कथा मैंने बताया था पूरे प्रमाण के साथ है। मैंने आपको किताब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाकर आप उस कथा के बारे में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को बनाता हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इस कथा को मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे ही कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको यह कथा पसंद आई और आप आगे की कथा सुनने से वंचित नहीं रह जाएंगे।
अब दोस्तों लेते हैं विदा, फिर नए कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।